गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तारा और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए नींबू पर वीडियो। तो ये छोटा सा नींबू आपके लिए कितना फायदेमंद है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो नींबू के अंदर जो है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन सी आप लोगों को पता ही है कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है आपकी स्किन के लिए। और सबसे ज्यादा जो इसमें पाया जाता है वो है एसिड। एसिड जो है आपकी स्किन के लिए नेचुरल ब्लीच का काम करता है। तो जो आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको ये दूर करता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा एंड तक। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं इसका फायदा, मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ। तो ये आपकी हेयर्स के लिए, ये आपकी हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है ना, जब डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है सुनने में छोटी लगती है, लेकिन जिसको डैंड्रफ होता है ना उसको पता होता है कि ये प्रॉब्लम उसके लिए कितनी ज्यादा बड़ी है। क्योंकि सर में हमेशा खुजली और कंफर्टेबल नहीं रहता है हमेशा, और डैंड्रफ जब किसी को दिख जाता है, कोई बोल देता है कि आपके सर में डैंड्रफ हो रहा है, तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात हो जाती है। ये जो आपकी सर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है इसे दूर करेगा एकदम। आप स्कैल्प यूज करने के लिए हमें थोड़ा सा शहद चाहिए। अगर आप शहद यूज करना नहीं चाहते हो तो आप कोई भी ऑयल लीजिए, कोकोनट ऑयल लेंगे तो बेस्ट है। उसके अंदर आपने ये एक नींबू का पूरा रस मिला देना है। आपने खुद देखना है कि आपकी स्कैल्प पे आपको कितना जो है नीड रहेगा। तो आप एक नींबू का रस लीजिएगा और उसके अंदर कोकोनट ऑयल मिला लीजिएगा, उतना ही मिला लेना। और अच्छे से आपको अपनी स्कैल्प पे लगाना है और आधे घंटे तक लगा के छोड़ देना है। उसके बाद आपने गुनगुने पानी से, जैसे आप हेड वॉश करते हो वैसे आपने हेड वॉश कर लेना है। इसको डायरेक्ट हम इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि आपकी जो डैंड्रफ होती है ना वो ऑलरेडी जब आपकी स्कैल्प ड्राई हो जाती है, और मोस्टली आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे ही आपके डैंड्रफ ज्यादा होता है। तो जब हमारी स्कैल्प ड्राई हो जाती है तब डैंड्रफ पड़ता है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे अपने फेस की तरफ, तो आप अपने फेस पे कभी भी नींबू जो है डायरेक्ट अप्लाई ना करें, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, कभी भी अपने फेस पे नींबू डायरेक्ट अप्लाई मत करें। क्योंकि नींबू में बहुत ज्यादा एसिड होता है और आपकी जो फेस की स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है अदर जो आपके बॉडी पार्ट की जो स्किन होती है उसके मुकाबले। आपकी फेस की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। खाली नींबू अपने फेस पर यूज करते हैं तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं, पिंपल हो सकते हैं, थोड़े टाइम बाद आपकी स्किन काली पड़ना शुरू हो जाएगी। तो अब कभी भी आप अपने फेस पर जब भी नींबू यूज करें तो किसी भी DIY फेस पैक में मिला के इसको यूज की, इसको आप फेस पे यूज कर सकते हैं बट डायरेक्ट नहीं यूज करना है। किसी भी बेसन हनी के साथ इसको मिक्स करके या फिर कुकुम्बर जूस में मिला के इसको आप अपने फेस पर यूज कर सकते हैं। करते हैं लिप्स की, तो गुलाबी गुलाबी लिप्स किसे नहीं पसंद। तो आप लिप्स के लिए, लिप्स की पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए इसको किसी भी जूस में मिला सकते हैं, जैसे पोटैटो जूस हो गया, कुकुम्बर जूस हो गया और हनी हो गया। तो आप इसके अंदर मिला के इसको अपनी लिप्स पे अप्लाई करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए या फिर ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बाद गुनगुने पानी में कॉटन को डिप करके आप हल्के हाथों से उसे वाइप कर लीजिए, और उसके बाद कोई भी घी, देसी घी हो तो बढ़िया है, आप अपने लिप्स पे लगा के छोड़ दीजिए। कुछ लोग जो है एक बार ही DIY करते हैं और बोलते हैं हमें इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक बार में कोई भी चीज आपको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देती है। हालांकि नींबू देती है, नींबू आपको फर्स्ट टाइम में इफेक्टिव रिजल्ट देती है, बट आपको कोई भी 100% रिजल्ट चाहने के लिए आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपको वो हफ्ते में एक बार या कम दो बार या एक बार, जैसे भी जितना भी आप कर सकते हो, तो आप ये ट्राई करें, आपको 2-3 महीने में बेटर रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। आप सोचो एक बार में हमें करने से कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। करते हैं अनइवन स्किन टोन की, एल्बो, अंडर आर्म्स, नी, तो ये जो एरिया है हमारे ये थोड़े से डार्क होते हैं, हमारे अदर जो स्किन होती है, तो उसके लिए नींबू एकदम बेस्ट है। आप पेडिक्योर करवाते हो, 500 से लेके 1200 तक का पेडिक्योर होता है, और वही चीज जो है आपको नींबू जो 5 रुपए के 2 मिलते हैं और 2 रुपए का 1 मिलता है, वही काम आपका एक नींबू कर देगा। अर्जेंट कहीं जाना होता है तो मैं यही काम करती हूँ, मैं एक नींबू काटती हूँ और उसको बाथरूम में ले जाती हूँ। नहाने से पहले जो है 5 मिनट में सब जगह जो है नींबू रगड़ लेती हूँ और मेरा पेडिक्योर मैनीक्योर सब हो जाता है। ज्यादा शर्म तो अंडर आर्म्स के टाइम पे आती है, बाकी जो हमारे पार्ट्स हैं नी, एल्बो, एक बारी तो ये चल जाता है, लेकिन अंडर आर्म्स अगर आपके काले हैं या डार्क है थोड़े से, तो आपको हाथ उठाने में भी शर्म आती है। ये वापस से हम अपने पैरों की तरफ आते हैं,
जिस तरीके से आपको प्रॉपर ड्रेसअप होने के लिए कच्चे फुटवेयर की जरूरत पड़ती है, उस तरीके से आपको पूरी तरीके से सुंदर दिखने के लिए आपके पैरों का साफ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका चमकना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फेस चमकेगा और लोग आपके पैरों की तरफ देखेंगे और वो एकदम काले और अनइवन स्किन होगी तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, आपने एक नींबू लेना है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो ये सारे हैक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ब्यूटी टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप नींबू के छिलकों के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास, आप किसी चीज़ में नींबू यूज़ कर रहे हो, नींबू पानी बनाने के लिए या किसी सब्जी में आपने नींबू डाला है, उसके छिलके बच गए तो वो भी खाली आप अपने पैरों पर रगड़ सकते हो, तो वो भी आपको बेनिफिशियल रहेंगे। तो अगर आपके पास फ्रेश नींबू नहीं है तो आप इस तरीके के नींबू भी ले सकते हो। मैं एक्चुअली में जो इससे भी ज़्यादा येलो हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, तो मैं वो वाला नींबू ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर वो खाने में, मतलब वो अंदर से ख़राब नहीं होता है बट खाने में हमें थोड़ा सा लगता है ना कि ये वाला यूज़ नहीं करते, फ्रेश यूज़ कर लेते। तो मैं हमेशा जो अपने पैरों पे या अपने फेस के लिए, हेयर्स के लिए जो भी मुझे यूज़ करना होता है, मैं इस टाइप के नींबू ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये अंदर से ख़राब नहीं होते हैं बट इसके अंदर एसिड की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो आप ऐसे नींबू भी यूज़ कर सकते हो और आपको दुख भी नहीं आएगा कि आपको ऐसे नींबू फेंकने पड़ रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूले, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से नोटिफाई हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।